समय ध्यान एकाग्रता कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, वो जरा हाथ ऊपर उठाओ जिनको ध्यान का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अच्छे बच्चे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के उठा रहे हैं, बोल रहे अंकल आप क्या कर लोगे, हमको तो बचपन से ही कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, मुझे याद आता है मैं एक बार छोटे बच्चों का क्लास करा रहा था। छोटे बच्चे माना लोअर केजी अपर केजी क्लास 1 के बच्चों को कर रहा था। और ये बच्चे ना डरते नहीं हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो एक बार मैं बच्चों का क्लास करा रहा था, वो बच्चे आप बच्चे जितने सिंसियर और डिसिप्लिन्ड नहीं थे, वो थोड़ा मस्ती कर रहे थे, वो बातें ज्यादा करते, चंचल होते ना छोटे बच्चे, तो जो वो चंचल हो रहे थे, तो मैं तो टीचर रहा हूँ मुंबई में, तो मेरे टीचर के संस्कार जागृत हो गए और मैंने उन बच्चों को कहा, हे क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने थोड़ा बुलंद आवाज में कहा, ध्यान से देखो जो गिरीश अंकल ने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों मैंने उन बच्चों से क्या कहा, बस बस उतना काफी है, ऐसे नहीं, ध्यान से देखो जो ब्लैक बोर्ड में लिखा, ठीक है, 1 2 3 बोलिए। हाँ बच्चों एक बात बताऊं आपको, आप बच्चों के जीवन में सबसे पीड़ादायक शब्द पता है कौन सा है, जो आपको बहुत कष्ट देता है, जो आपके मम्मी, कौन सा शब्द है? मम्मी पापा बड़े भैया भाभी दीदी नाना नानी दादा दादी मेरे जैसे टीचर, हम सब एक ही शब्द आपको बोलते हैं, ध्यान से पढ़। ध्यान तुम्हारा कहाँ रहता है, तुम लोगों का ध्यान इतना कहाँ, कितने कब मार्क्स मिल रहे, ध्यान कहाँ रहता है? आप है ना बड़े आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक ताली किसके लिए बजा रहे हैं, मेरे लिए, पीड़ा आपको हो रही है, ताली मेरे लिए बजा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा मैंने पीड़ा समझा, इसीलिए आप है ना अपने माता जी को बड़े आदर पूर्वक कहना, अगर मम्मी कहे ना ध्यान से पढ़ते हो कितना कम मार्क्स आ रहा है, तो मम्मी को कहना, मम्मी ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, तो पता है मम्मी क्या बोलोगी, लगाऊंगी खींच के, ध्यान लगा के पढ़, क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता ध्यान कैसे लगाते हैं, लेकिन हम डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं, ध्यान से पढ़ो ध्यान। शिक्षकों आपके ये बच्चे बड़े होशियार हैं, आप शिक्षकों को अगर परमवीर से भी सम्मानित किया जाए तो कम है, कैसे हैंडल करते इन लोगों को, इतने खतरनाक बच्चे ये तो, ठीक है। तो मैंने उन बच्चों से क्या कहा था, 1 2 अपने अंगूठे दोनों हाथ के अंगूठे को ऐसे करिए, हमारा लाइफ इज अ थम्स अप, और फिर इस उंगली को ऐसे करिए, हाँ परमात्मा के साथ सुप्रीम कनेक्शन है हमारा, इन दोनों को ऐसे जोड़िए और तीनों उंगली की, बहुत ब्यूटीफुल है हमारा जीवन, इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ को ऐसे अपने गोदी में रखें, बैक को स्ट्रेट करें और कहें ओम शांति, प्यार से कहिए, मुस्कुराकर कहिए, जोश से कहिए, बहुत अच्छा। अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़िए और आदरणीय मंच को कहिए नमस्ते, आप भी करिए नमस्कार, हम आदरणीय मंच को कहिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से भी। आप बच्चों का मॉर्निंग गुड है क्यों? हाँ मैं बताऊं क्यों गुड है, क्योंकि आज क्लास नहीं हो रहा है, पढ़ना नहीं पड़ रहा है, हाँ मैं सब जानता हूँ, हाँ बजाइए जोर से ताली। ये सब हमारे आयोजकों का, आदरणीय टीचर्स का है कि आप सबको यहाँ बुलाया गया है। बच्चों आप थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करें। हमारे मुख्य वक्ता जो आज आए हैं, उससे पूर्व में ब्राता जी जो अमीर चंद जी इस क्षेत्र के हमारे निर्देशक हैं, ब्रह्मा कुमारी जी के और वीरेंद्र भाई जी।
हैं।